सात महीने बाद सेवा योजन कार्यालय में ऑफलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इनमें 10 कंपनियां 960 नौकरियां लेकर आई। सेवा योजन कार्यालय के उप निदेशक पीके द्विवेदी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान मेले तो लग रहे थे, मगर ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा था। कोरोना काल के बाद पहली बार ऑफलाइन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, जिसमें सेल्स, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सेक्टर की हैं कंपनियां, और ये 960 जगह लेकर आई हैं। आपको बता दें, लगातार इसी तरह से मेलों का आयोजन किया जा रहा है और 26 तारीख को एक बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कोरोना काल में चूंकि मेले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन वो सब ऑनलाइन हो रहे थे, कोरोना काल के बाद आज पहली बार ऑफलाइन मेला लग रहा है, जिसमें 10 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के हैं, सिक्योरिटी के हैं, सेल्स सेक्टर के हैं, और 960 जगहें हैं जिनके के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं, और 2 बजे तक इसके रिजल्ट आने की संभावना है। रोजाना तो नहीं चलेगा, हमारा अगला जो बृहद रोजगार मेला होगा वो 26-27 दो दिवसीय लगाया जाएगा, उसमें कम से कम 25-30 कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगे, और माननीय विधायक जी सुरेंद्र मैथानी से भी बात की जाएगी, उनको विशेष मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा और उद्घाटन कार्य उन्हीं से संबंधित कराया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/